वाले घर जहाँ मेरा जन्म हुआ था राजीव नगर में है जो भी, तो मैं वहाँ जाऊँगा, आप लोगों को वो घर भी दिखाऊँगा। वो घर पहले हमारा था, कुछ ऐसी मजबूरी है जो हमें उस घर को बेचना पड़ा। तो भाई और यही है मेरा पापा की कंपनी, भाई जिन्हें भी पीना हो बता देना, पीछे पड़ गया। ये तो भूत की कहानी थी, इन सबको तो मैं जानता भी नहीं कौन है। वेलकम टू माई चैनल नवीन किसाल ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि मैं अभी फरीदाबाद आया हूँ हरियाणा अपने पापा के यहाँ। तो अभी यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं, कपड़ा जितना पहन लो उतना कम है। तो दोस्तों, मेरे पापा जा चुके हैं ड्यूटी और वो अपना मास्क घर पे ही भूल गए हैं। तो अभी मैं उन्हें मास्क देने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले और कहा कि वो अपना मास्क भूल चुके हैं घर पे। तो मैं उन्हें भी मास्क पहुँचाऊँगा और उधर से ही मैं निकल जाऊँगा अपने पुराने वाले घर जहाँ मेरा जन्म हुआ था राजीव नगर में है जो कि, तो मैं वहाँ जाऊँगा, आप लोगों को वो घर भी दिखाऊँगा। वो घर पहले हमारा था, कुछ ऐसी मजबूरी है जो हमें उस घर को बेचना पड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ पापा की कंपनी में, मास्क भूल गए। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, आप लोग देखते रहिएगा। तो भाई मैं फाइनली घर से बाहर निकल चुका हूँ और रास्ते में हूँ पापा की कंपनी जा रहा हूँ। पहले उन्हें मास्क दूंगा, रुमाल दूंगा। चलिए रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ आप सभी को। भाइयों, मैं तो जल्दी आने के चक्कर में इस रास्ते को पकड़ लिया, लेकिन आप लोग मत आना कभी पटरी के रास्ते। तो भाई फाइनली मैं अपने पापा की कंपनी के पास पहुंच चुका हूं, न्यू ऑरलियंस वाली वर्क्स, जो कि यहां से महज 15-20 कदम की दूरी पे होगी। वहां जाऊंगा और फोन करूंगा फिर पापा को। चलिए कंपनी गेट पे चलते हैं। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूं अपने पापा की कंपनी पे, मैं यहां इनको फोन करूंगा। ये है मेरे पापा की कंपनी, फोन करता हूं मैं अभी। तो भाई यही है मेरे पापा की कंपनी, एड्रेस आप लोग देख सकते हो, जिसे भी काम करना आ जाना आवश्यकता है लिखा हुआ। तो मेरे पापा आ चुके हैं, देख रहे हो आप लोग सामने से आ रहे हैं। हाँ स्थिति अच्छे थे ये। तो भाई मैंने अपने पापा को मास्क दे दिया, मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर से। यहाँ पर गाड़ी देख रहे थे मुझे घर से ऐसे करके, घर देखने में मेरा चला था और मैं मेरे पापा से जाता। चलो चलते अपने पुराने वाले घर से, मजे के दिन है, ठंड भी लग रही है, मजे भी लेने, चलो मजे लेके आते हैं। आप ही मजे लो, रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। भाई जिन्हें भी पीना हो बता देना। पीने के बाद ऐसे निकाल मत देना भाई। तो भाई साहब ये मैं आ गया हूँ राजीव नगर चौक पर। यार पुराने दिन याद आ गए। ये पहले वाला मेरा घर है भाई, पहले उधर गेट हुआ कर रहा था, अभी इधर बीच से बना दिया। ये दोनों रूम थे हमारे, अंदर आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। अब पता नहीं नाम ही काफी। पहले यही मेरा रूम हुआ करता था, इसमें हम लोग रहते थे। इस रूम में मेरा बहुत सारा याद है भाई। आंगन ऊंचा हो गया ना भाभी, इधर बाथरूम, किचन इधर हो गया। तो फाइनली इस रूम का तो पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। यहाँ खिड़की, यहाँ हम लोग का पलंग हुआ करता था, हम लोग इस खिड़की पर लटकते रहते थे और यही मेरी मम्मी का अंत हुआ था। अभी खिड़की है। और ये इस रूम का किचन है, और आप इन्हें जो देख रहे हैं, इनके हस्बैंड और इनके साथ एक और थे जिन्होंने मिलकर हमारा घर खरीदा था। तो क्या कहानी है खिड़की का, कैसा भूत है कहानी? कहानी बताने जा रही है, कौन सी कहानी बताता है? कहानी बताता है, कहानी बताता है, भूत की कहानी थी।
तो इस खिड़की की कहानी बहुत अच्छी है। इसके अंदर से जब मेरी मम्मी मरी थी उसके 2 साल के अंदर, तो उसको पता था कि यहाँ से भूत हाथ निकालता है। कहने का मतलब मेरी मम्मी हाथ बाहर निकालती है, रात के समय में लोग डरते थे, अफवाह फैला रखे थे। काफी मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी सब है। हर कोई नहीं मिलता वीडियो के आगे, बात करते हैं। इसको हम लोग कफाड़ी वाला रूम कहते थे। अभी देखो इस रूम का क्या हाल है, नीचे हो गया, पहले ऊपर हुआ करता था आंगन। ये सीन था पहले, ये रूम था पहले हमारा, तो काफी छोटा लग रहा। यहाँ नए लोग, ये लोग आ गए। और ये मेरा कुनाल है भाई, मैं पहले इस रूम में रहा करता था, यही हमारा घर हुआ करता था। यही था ना बाबा किस रूम में रहते थे? बाबा इसमें नहीं थे, बगल वाले में। हाँ, बगल वाले रूम में रहते थे। हेलो दीवान सिंह, हेलो कौन, हेलो कौन, नहीं पहचानते हो? ओ कहाँ आ गए, कौन है ये सब, इन सबको तो मैं जानता ही नहीं, कौन है? ये दूसरे रूम का किचन है जो कि आंगन से सट के है। अभी जा रहा है किचन ऊपर है लिफ्ट इसी में। पहले ये कुनाल इसी रूम में रहा करता था, अभी ये इतना बड़ा हो गया। उस टाइम हमारे यहाँ रेंट पे रहता था। अरे इस मकान को तो भेज दें, लेकिन अभी बहुत अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। हमारा पुराना घर कह नहीं सकते, आंखों में आंसू आ रहा, बट हंस रहा हूँ, याद आता सब कुछ बचपन का। चलो कोई नहीं, देखते हैं नीचे का भी, देखेंगे क्या सब है। पीठ पर लटक गया है, बदमाशी कर रहा है। और देख, चलो नीचे, चलो नीचे चलते हैं, ऊपर का देख लिया। अच्छा कहाँ गया तू, इधर आइए। यहाँ पहले टाँड हुआ करता था और हमारा गेट इधर ही था, अब वहाँ बीच में कर दिया गया है। पहले मेन गेट यहीं से था। इस पे जूता चप्पल। तो भाइयों फाइनली मैं अपने पुराने वाले घर से अब आ गया हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा था, क्या करें, बट उसमें बहुत सारी याद जुड़ी थी, इसलिए मैं चले आया एक बार इस घर के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों ने मेरा पुराना घर तो देख ही लिया किस टाइप का था। पहले हम लोग छोटे थे तो मुझे काफ़ी बड़ा लगता था, लेकिन अब तो काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे घर, या पहले मैं छोटा था तो मेरी हाइट बढ़ने के कारण घर का साइज छोटा लगने लगा। जो भी कहो, काफ़ी अच्छा था वहाँ का माहौल, बातचीत किया सबसे, मिला सब कुछ अच्छा था। अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।